अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में जो जॉब्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो जॉब आई थी रोज़नामा जंग कराची 4 जून 2023 को, और ये जॉब है एपिलेट ट्रिब्यूनर सिंध यूनी बोर्ड 3rd फ्लोर PRC टावर लालाजार MT खान रोड कराची। फ़ोन नंबर 9926585 92। मुलाजमत के मौके एपिलेट ट्रिब्यूनल सिंध रेवेन्यू बोर्ड कराची में मंदरजा जैल असामियों के लिए सूबा सिंध के डोमिसाइल के हामिल मौजू उम्मीदवारान जो हर एक असामी के मुकाबल सराहत करदा काबिलियतों और तजुर्बे के हामिल हों से इब्तदाई भर्ती या तकरूर के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। नंबर शुमार 1 असामी का नाम डिस्पैच राइडर BPS 4। काबिलियत या तजुर्बा तस्लीम शुदा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से मेट्रिकुलेशन या मुसावी या नंबर 2 मोटरसाइकिल का काबिल मियाद ड्राइविंग लाइसेंस का हामिल उम्र 18 से 28। अच्छा, उम्र सबकी 18 से 28 है। नंबर 2 ड्राइवर BPS 4 तस्लीम शुदा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से मेट्रिकुलेशन या मसावी। नंबर 2 HTV या LTV का मियाद ड्राइविंग लाइसेंस का हामिल। नंबर 3 बरस का तजुर्बा लॉग बुक एंट्रीज मेंटेन कर सकता हो। नंबर 3 बेल्फ BPS 4। नंबर 1 तस्लीम शुदा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से मेट्रिकुलेशन या मसावी। नंबर 2 मोटरसाइकिल का काबिल मियाद ड्राइविंग लाइसेंस का हामिल उम्र 18 से 28 साल सबकी है। नंबर 4 प्रोसेस सर्वर BPS 1 तस्लीम शुदा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से मेट्रिकुलेशन या मसावी। नंबर 2 मोटरसाइकिल का काबिल मियाद ड्राइविंग लाइसेंस का हामिल उम्र 18 से 28। नंबर 5 नायब कासिद BPS 1 काबिलियत या तजुर्बा मिडिल पास उम्र 18 से 28। नंबर 6 चौकीदार BPS 1 काबिलियत प्राइमरी पास माली BPS 1 काबिलियत प्राइमरी पास। सैनिटरी वर्कर BPS 1 काबिलियत प्राइमरी पास। शराइत ज़वाबित दरख्वास्त गुजारान के लिए डोमिसाइल PRC CNIC तालीमी काबिलियत ड्राइविंग लाइसेंस की तस्दीक शुदा नकुल और 2 हालिया तस्वीर के साथ मुकम्मल कवायद जमा कराना लाजमी है। दरख्वास्तें बनाम रजिस्ट्रार एपिलेट ट्रिब्यूनल सिंध यूनियो बोर्ड वाक़े बामुकाम 3rd फ्लोर PRC टावर्स लालाजार मौलवी तमीज़ुद्दीन खान ब्रैकेट में लिखा हुआ MTK रोड कराची हों। जो पहले ही सरकारी मुलाजमीन है वो महकमे की वसात से दरख्वास्त दें। सरकारी पॉलिसी के मुताबिक ख़वातीन के लिए 15% अक़लियत का कोटा 0.5% मुख्तलिफ़ुल नौ अहले अफराद का कोटा और 0.5% ट्रांसजेंडर कोटा मुख्तस है। सरकारी पॉलिसी या रोल्स के मुताबिक बलाई उम्र की हद में 15 बरस की उमूमी रियायत होगी। उम्मीदवारान को TA या DA नहीं अदा किया जाएगा। दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 20/6/2023 बावक्त शाम 5 बजे है। नामुकम्मल दरख्वास्तें और आखिरी तारीख के बाद मौसूला दरख्वास्तें ज़ेर गौर नहीं लाई जाएंगी। हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक असामियों की तादाद में इजाफा या कमी की जा सकती है। किसी को भी इसे चैलेंज करने का हक हासिल नहीं होगा। इंटरव्यू का शेड्यूल और मुकाम का ऐलान अखबारात के ज़रिए किया जाएगा। हुकूमत को हक हासिल है कि बिला इजहार वजू कोई या तमाम दरख्वास्तें बशमूल कार्रवाई या भर्ती का अमल मनसूख कर दे, और उम्मीदवार ब्रैकेट में लिखा हुआ उम्मीदवारों को किसी भी नौयत का दावा करने का हक नहीं होगा। ऐसे उम्मीदवारान जो 14 नवंबर 2018 को शाये शुदा इश्तहार के जवाब में मंदरजा जैल बाला असामियों के लिए पहले ही दरख्वास्त दे चुके हैं, इन्हें अरसरे नौ दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं। बराए मज़ीद मालूमात 02199205852888 रजिस्ट्रार दस्तखत रजिस्ट्रार एपिलेट ट्रिब्यूनल सिंध रेवेन्यू बोर्ड। जी, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।